मेरा सफर कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल है दूर और बहुत दूर। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा खानेवाल के करीम शहर तो लंबा और मैथुन, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है कच्चा कुफ, जहाँ अंग्रेजों ने पंजाब के नहरी निजाम को तरतीब दिया था। मैं हूँ मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाजी, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस अरबी नहर के करीब जो कि लाहौर तक जा रही है। और आप मेरे अकब में शाहराह पर लगे इस बोर्ड को देख सकते हैं, जो कि मियाचुनो और साहिवाल के फासले बता रहा है। यहाँ से आपको लेकर जाऊंगा सबसे पहले 6000 साल कदीम शहर तोलंबा, जिसे सिकंदर आजम, मोहम्मद बिन कासिम, सुपक्तिगीन, शाहबुद्दीन गौरी, तातारियों, मंगोलों, तर्कों, मुगलों और सिखों सब ने मिलकर अपने कदमों तल रोंदा था। इसके बाद आपको मियाचुनो में उस बुजुर्ग के मजार अकदस पर ले जाऊंगा, जो कि माजी के मशहूर डाकू थे। आइए चलते हैं। अब मुसाफिर पाकिस्तानी की टीम अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जब मुल्क भर में धूप सवा दर्जे पर है और सख्त गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कुदरत की मेहरबानी से न सिर्फ काले बादल हमारा संभाल कर रहे हैं, बल्कि ठंडी हवाएं और होने वाली बारिशों ने माहौल को इंतहाई खूबसूरत बना रखा है। और अब हम इस खूबसूरत मौसम में तो लंबा के करीब पहुँच चुके हैं। ये वही शहर है जो कि 6000 साल से ज्यादा कदीम है, और यहाँ से मिलने वाली नवादार ठिकरियों से इसकी कदामत 6000 साल पुराने बयान की जाती, जिसकी वजह से इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का हम असर शहर करार दिया जाता है। ये वही अहम शहर है जहाँ हिंदुओं के मुकद्दस किताब ऋग्वेद लिखी गई। ये उलूम फनून का गहवारा था, मगर हमलावरों के जाने से बार बार इस शहर को रोंदे जाने के बाद अब यहाँ टीलों के अलावा कुछ नहीं, जिसकी वजह से मुकामी लोग इसे अब भड़ के नाम यानी के टीलों के नाम से बुलाते हैं। अब चलते हैं हजरत मियाँ चुन्नू सरवर्दी के मजार मुबारक पर, जो कि पहले बुजुर्ग नहीं बल्कि डाकू।